हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि रोज़ा रखे हैं और इस वजह से फेस थोड़ा सा उतरा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, जिस वजह से वीडियो बना रहे हैं वो है कि एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किए वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। हम पिछले वाला वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे, जो लोग वो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जाके देख लेना। बहुत सारे मॉडिफिकेशन के बारे में हम बोले थे, तो उसमें जो LED इंडिकेटर हम जो किए थे ना DRL जो हेडलाइट के पास में, वो वहाँ तक कवर्ड था, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और एडिशन किए हैं। वो है जो नीचे जो सिंगल LED स्ट्रिप दिख रहा है आपको वाइट कलर में, ये वाला, ठीक है, इसी के बारे में आज का वीडियो है। दरअसल हम जब वो पहले LED बनाए थे इंडिकेटर में साइड में ऑरेंज कलर में, उस वक्त क्या हुआ था, पीछे का जो DRL है वो उसमें रिफ्लेक्ट होता था और मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन उतना मतलब कुछ इनकम्प्लीट जैसा लग रहा था। तो इसी को हम कंप्लीट किए हैं। फोर व्हीलर में जैसे एक सिंगल लाइन दिखता है वैसा एक सिंगल लाइन का हम सोचे हैं और वही कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा सोचे थे वैसा ही हुआ है सब कुछ। LED स्ट्रिप का जो वायर है इसको हम सीधा जो की ऑन करने वाला जो कनेक्शन है उसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं, और हेडलाइट स्विच को ऑफ करके यहाँ पर एक तो हेडलाइट का स्विच लगा दिया। आप लोग देख सकते हो ये वाला लाइट को पूरा ऑफ करके ऑन करने में जो कनेक्शन करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, वो मैकेनिक बहुत ही अच्छा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, क्योंकि हेडलाइट में तीन टाइप का लाइट है, तो उन तीनों लाइट को एक साथ नेगेटिव पॉजिटिव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आप लोगों को चाबी ऑन करके दिखाते हैं कि कैसे क्या काम कर रहा है। देखो यहाँ पे लाइन दिख रहा है आप लोगों को नीचे में, तो लाइट जल गया है। ठीक है, दूर से और भी अच्छे से नज़र आएगा। आप लोगों को फ्लैशर ऑन करके दिखाते हैं कि इतना कितना खूबसूरत लगता है साइड में जब रेड जलता है ना एक साथ वाइट के बीच में। देखो रात में सबसे अच्छा लगता है। चलो आप लोगों के लिए ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब देखो यार कितना खूबसूरत है। इसको सेट किए ना, यहाँ पे अंदर में एक आपको पैनल में गैप दिख रहा होगा हेडलाइट, इसे हम फोकस कर लेते हैं। हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है ये हेडलाइट और ये जो पैनल है नीचे का, इसके अंदर में गैप है। तो हम पहले पीछे का पैनल का सारा स्क्रू ढीला करके इसको इसके अंदर से घुसाए, ग्लास और पैनल का प्रेशर में इसको दबा के रखें। अगला दिन जब इंस्टॉल किए थे संडे को, उस दिन यहाँ का जो बोर्ड है वो टूट गया था अंदर में, जिस वजह से यहाँ पर चारों लाइट कट गया था। तो फिर हम वेलिंगटन गए और ये नया लाइट फिर से लेके आए, और लेके आने के बाद फिर से इंस्टॉल किया कल रात को जाके। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेहनत बहुत सक्सेसफुली अभी साबित हुआ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको ये मॉडिफिकेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना यार, और इस हिसाब से आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नेक्स्ट कोई अच्छे से वीडियो में। टिल देन कीप पीस मेक पीस, बाय।